नमस्कार, आज की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसकी चपेट में अब तक कई नेता अभिनेता आ चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी संक्रमित हो गए हैं और वो पूरी तरह क्वारंटाइन है। तो शिवसेना नेता संजय राउत ने सामना में तंज कसा है कि अब इस प्रकरण में खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही नोटिस देकर उसे उनके स्मारक पर चिपका दिया जाए तो इस पर हैरानी नहीं होनी चाहिए। वहीं पिछले 2 सालों से मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर वाटर वेंडिंग मशीनें बंद पड़ी थी, लेकिन अब मध्य रेलवे ने 30 मई को मुंबई डिवीजन के 34 स्टेशनों पर 35 मशीनें शुरू करने के लिए टेंडर निकाला है। इसी बीच नकली कागजातों के सहारे जाली लाइसेंस बनाकर एक मुन्ना भाई के डॉक्टर बनने की कहानी सामने आई है। घटना हिंगोली जिले के सेनगांव की है। तो उधर मनसे विधायक नॉट रीचेबल हो गए हैं। उनकी ये स्थिति इसलिए चर्चा में है क्योंकि उनका वोट भी राज्यसभा चुनाव में किसी उम्मीदवार की हार जीत का फैसला कर सकता है। प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसकी चपेट में अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आ गए हैं। फडणवीस का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, इस बारे में खुद ही ट्वीट कर उन्होंने जानकारी दी है। फडणवीस ने ट्वीट किया है कि मेरा कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है और मैं होम आइसोलेशन में हूँ। डॉक्टरों की सलाह पर दवाई और उपचार ले रहा हूँ। जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं उन्हें सलाह है कि वे अपना कोविड टेस्ट करा ले। सभी अपना ख्याल रखें। इसके अलावा बॉलीवुड में भी एक के बाद एक लगातार बड़ी बड़ी हस्तियां कोरोना के चपेट में आ रही हैं। शनिवार को कार्तिक आर्यन ने भी कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी थी। वहीं रविवार को जानकारी मिली कि कैटरीना कैफ भी कोरोना संक्रमित हो गई है। अब शाहरुख खान के भी कोरोना संक्रमित होने की जानकारी सामने आई है। ये सभी लोग इस वक्त पूरी तरह से क्वारंटाइन है। कैटरीना कैफ दूसरी बार संक्रमित हुई है। श्रीराम राघवन की फिल्म मेरी क्रिसमस की शूटिंग इस कारण रोकनी पड़ी है। गौरतलब है कि देश में कोरोना का असर एक बार फिर से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ते कोरोना केस की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने आदेश जारी कर लोगों से सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने को कहा है। हालांकि खुले स्थान पर इसमें छूट दी गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. प्रताप व्यास ने सभी जिलों के प्रशासन को लिखे पत्र में विभिन्न आदेश दिए हैं, जिनमें सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना सुनिश्चित करना भी है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय का समन मिलने से शिवसेना खासी नाराज नजर आ रही है। शिवसेना नेता संजय राउत ने सामना अखबार के संपादकीय में तंज कसा है कि अब इस प्रकरण में खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी नोटिस देकर उनके स्मारक पर चिपका दिया जाए तो इस पर हैरानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने लिखा है कि नेहरू द्वारा शुरू किए गए नेशनल हेराल्ड का राजनीतिक महत्व बहुत पहले ही खत्म हो गया है, लेकिन हेराल्ड को लेकर राजनीति जारी है। नेहरू ने वर्ष 1937 में इस समाचार पत्र को शुरू किया था। उस समय स्वयं नेहरू, महात्मा गांधी और सरदार पटेल इस अखबार के मुख्य आधार स्तंभ थे। नेहरू के इस समाचार पत्र का खौफ इतना था कि अंग्रेजों ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेशनल हेराल्ड पर प्रतिबंध ही लगा दिया था। 1945 तक इस अखबार पर प्रतिबंध लगा रहा। देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए इस समाचार पत्र को शुरू किया गया था। ये सेनानियों के लिए एक शस्त्र था, इसमें धार थी और निमित्तता भी थी। ये धन कमाने के लिए शुरू किया गया व्यवसाय नहीं था, ये स्वतंत्रता संग्राम के लिए शुरू किया गया एक मिशन था। अब इस अखबार में गड़बड़ी के मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने समन्स भेजे है। दरअसल नेशनल हेराल्ड प्रकरण में कर्ज चुकाने के लिए लेनदेन किया गया, इसे कदाचार नहीं कहा जा सकता। इस पूरे प्रकरण में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आरोपियों के कटघरे में खड़ा किया गया है। पिछले 2 सालों से मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर वाटर वेंडिंग मशीनें बंद पड़ी थी, लेकिन अब मध्य रेलवे ने 30 मई को मुंबई डिवीजन के 34 स्टेशनों पर 35 मशीनें शुरू करने के लिए टेंडर निकाला है। ये टेंडर 24 जून को समाप्त होगा। इससे पहले इन मशीनों को IRCTC ऑपरेट करती थी, लेकिन अब रेलवे इन्हें ऑपरेट करेगी। IRCTC ने बताया कि रेल नीर की डिमांड मुंबई में ही इतनी बढ़ गई है कि लंबी दूरी की ट्रेनों में दूसरे ब्रांड का पानी सप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि मध्य रेल के 55 स्टेशनों पर 82 वाटर वेंडिंग मशीनें भी लगी है लेकिन बंद पड़ी है। यदि ये समस्या बनी रही तो डिवीजन स्टॉल पर अन्य अधिकृत पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर बेचने की अनुमति दी जाएगी। बता दें कि कुछ सालों पहले रेलवे स्टेशनों पर किफायती दरों पर शुद्ध पानी का देने का जोर शोर से प्रचार किया गया था। मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर वाटर वेंडिंग मशीनें लगाई गई थी। इसे 2 रुपए में 300 ml शुद्ध और ठंडा पानी दिया जाता था। स्टेशनों पर लगी वाटर वेंडिंग मशीनें लंबी दूरी के स्टेशनों पर खूब चलती थी। यात्रियों को 8 रुपए में कंटेनर के साथ 1 लीटर पानी मिल जाता था। वक्त गुजरने के साथ ये मशीनें ही ठंडी पड़ती गई और यहाँ काम करने वाले लोगों को महीनों तक वेतन नहीं दिया गया। इसके बाद कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस फीस भरने में नाकाम रहा और आखिरकार IRCTC द्वारा शुरू की गई ये योजना बंद हो गई। इसके फिर से शुरू होने पर यात्रियों को किफायती दाम पर बोतल बंद शुद्ध पानी की बोतल मिल सकेगी।
नकली कागजातों के सहारे जाली लाइसेंस बनाकर एक मुन्ना भाई के डॉक्टर बनने की कहानी सामने आई है। घटना हिंगोली जिले के सेन गांव की है। जोर शोर से एक अस्पताल का उद्घाटन हुआ तो चिकित्सकों का माथा ठनका, क्योंकि डॉक्टर ज्ञानबाग केशवराव टेकाले एवं डॉक्टर माधव रसाल के इस अस्पताल के उद्घाटन समारोह में स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी भी उपस्थित थे। चिकित्सकों को जानकारी मिली कि इस अस्पताल का पंजीकरण जाली दस्तावेज के आधार पर कराया गया है। ये बात चिकित्सकों के संगठन नीमा तक पहुंची। बता दें कि किसी भी अस्पताल को आरंभ करते समय चिकित्सकों के संगठन महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिसिन का अधिकृत लाइसेंस लेना आवश्यक है। इस अस्पताल के दोनों चिकित्सकों ने जाली लाइसेंस बनाया मगर एक गलती कर दी। लाइसेंस का सीरियल क्रमांक 9 लाख से आरंभ हुआ है। शक हुआ तो इस एक गलती के कारण पूरे मामले का भंडाफोड़ हो गया। नीमा संगठन ने जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर को शिकायत देकर अस्पताल पर आपत्ति दर्ज कराई। जाली लाइसेंस बेहद ही शातिर तरीके से हूबहू बनाया गया है, जो प्रथम दृष्टया असली ही दिखाई देता है। इसी कारण किसी को भी संदेह नहीं हुआ। जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर राजेंद्र सूर्यवंशी ने कहा कि प्रकरण की जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिले में इस अस्पताल को लेकर अब तरह तरह की बातें हो रही है। लोगों को कहते सुना जा रहा है कि पैसे कमाने की लालच में सांठगांठ के चलते जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। महाराष्ट्र में आगामी 10 जून को राज्यसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में छोटे छोटे राजनीतिक दलों ने भी अपनी भूमिका स्पष्ट करने की तैयारी शुरू कर दी है। महाविकास आघाड़ी सरकार को समर्थन देने वाली बहुजन विकास आघाड़ी ने इस चुनाव में बीजेपी को वोट देने की बात कही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने मतदान न करने की बात कही है। ऐसे में महाविकास आघाड़ी सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी तक AIMIM ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वही राज ठाकरे की MNS का एक विधायक किसको वोट करेगा, ये भी अभी पर्दे में है। रणनीतिकारों में सवाल बना हुआ है कि क्या राज ठाकरे अपने चचेरे भाई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के समर्थन में वोट दिलवाएंगे। शिवसेना और बीजेपी की जीत अब निर्दलीय विधायकों के वोट पर निर्भर है। इस समय एक एक वोट बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में MNS का एक वोट भी किसी उम्मीदवार की हार जीत का फैसला कर सकता है। लिहाजा मनसे की अलग कदम पर सबकी नजरें टिकी हुई है। मनसे विधायक राजू पाटिल का ट्वीट फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि चिंता न करें, हमारे लिए राज साहब ठाकरे का आदेश प्रमाण है और मैं आदमी हूँ, घोड़ा नहीं। इस ट्वीट से ये पता चल रहा है कि मनसे किसी हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल नहीं होगी। वहीं किसको वोट देना है इसका अंतिम फैसला राज ठाकरे लेंगे। राजू पाटिल फिलहाल नॉट रीचेबल हो गए हैं। जम्मू के डोडा जिले में स्थित प्राचीन वासुकीनाग मंदिर में तोड़फोड़ की घटना सामने आने के बाद हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए जनसमर्थ पोर्टल लॉन्च किया है। ये पोर्टल अलग अलग योजनाओं को एक ही मंच पर उपलब्ध कराएगा। वहीं केरल में नोरो वायरस के 2 मामले सामने आए हैं। केरल सरकार का कहना है कि राज्य के लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी बीच ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर सोमवार को सैकड़ों लोग अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के बाहर एकत्र हुए और खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। हाथों में तलवारें लहराते हुए खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। तो उधर मध्य प्रदेश में एक कांग्रेस नेता पर अपनी ही पत्नी को गोली मारने का आरोप लगाया है। घटना के बाद आरोपी नेता फरार है। देश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। जम्मू में पिछले कई दिनों से हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, उसी कड़ी में अब वासुकी नाग मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। डोडा जिले में स्थित प्राचीन वासुकी नाग मंदिर में तोड़फोड़ की घटना सामने आने के बाद हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए, जमकर नारेबाजी की और मंदिर को निशाना बनाने वालों पर कार्रवाई की मांग की। वासुकी नाग मंदिर भद्रवाह को भद्रकाशी के नाम से भी जाना जाता है। तोड़फोड़ रविवार देर रात या सोमवार तड़के की गई है। बताया जा रहा है कि सुबह पुजारी जब मंदिर पहुंचे तो वहां की स्थिति देखकर दंग रह गए। मंदिर में बाहर से लेकर अंदर तक तोड़फोड़ की गई थी। मंदिर के दरवाजे खिड़कियां टूटे पड़े थे। मंदिर के अंदर मूर्ति के ऊपर भी पत्थर फेंके गए थे। पुजारी ने इलाके के लोगों और पुलिस को सूचना दी। जैसे जैसे यह खबर फैली मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने मंदिर पर हमले को लेकर अपना गुस्सा जाहिर करना शुरू कर दिया। पथराव के कारण मूर्तियां खंडित भी हुई है। लोगों ने कहा कि यह मंदिर प्राचीन है और उनकी इससे आस्था है। मंदिर में तोड़फोड़ करने वालों पर कार्रवाई की जाए। पिछले कई दिनों से हिंदू निशाने पर है और उनमें दहशत पैदा किया जा रहा है। कभी मंदिरों में तोड़फोड़ की जाती है तो कभी जानलेवा हमले और हत्या जैसी घटनाएं हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए जनसमर्थ पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल अलग अलग योजनाओं को एक ही मंच पर उपलब्ध कराएगा। यह सरकारी क्रेडिट योजनाओं को एक साथ पेश करने वाला डिजिटल पोर्टल है। यह अपने आप में पहला ऐसा पोर्टल होगा जो लोन लेने के इच्छुक लोगों को ऋणदाताओं से जोड़ेगा। जनसमर्थ पोर्टल का मुख्य उद्देश्य सभी योजनाओं को एक मंच पर लाकर उसका लाभ नागरिकों को देना है। इसके साथ ही सभी योजनाओं की पहुंच को डिजिटल माध्यमों से और आसान एवं सरल बनाना है। यह पोर्टल सभी लिंक्ड योजनाओं की कवरेज सुनिश्चित करता है।
केंद्र सरकार की चार लोन श्रेणियों में 13 योजनाएं जनसमर्थ पोर्टल पर उपलब्ध होगी। खास बात यह है कि 125 से ज्यादा कर्जदाता इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। पीएम ने पोर्टल की खूबियां गिनाते हुए कहा कि अब युवा आसानी से यह तय कर पाएंगे कि उन्हें मुद्रा लोन चाहिए या स्टार्टअप इंडिया लोन चाहिए। जनसमर्थ पोर्टल के माध्यम से युवाओं को मध्यम वर्ग को एंड टू एंड डिलीवरी का एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। यहाँ एजुकेशन लोन के लिए 3 योजनाएं उपलब्ध है, जहां आप अपनी जरूरत और पात्रता के हिसाब से आवेदन कर सकते हैं। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन के लिए भी 3 योजनाएं हैं। बिजनेस एक्टिविटी लोन के लिए 6 योजनाएं, आजीविका ऋण के लिए योजना उपलब्ध है। केरल में नोरो वायरस के 2 मामले सामने आए हैं। केरल सरकार का कहना है कि राज्य के लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे स्वास्थ्य विभाग ने स्थिति का आकलन किया है। जिस क्षेत्र में संक्रमण पाया गया है वहां के नमूने एकत्र कर परीक्षण किया गया है। इसके साथ ही लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीमें मुस्तैदी से लगी हुई है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज का कहना है कि जिन 2 बच्चों में नोरो वायरस पाया गया है फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। परिजनों और उनके संपर्क में रहने वाले लोगों पर भी नजर रखी जा रही है, इससे संक्रमण के प्रसार का आकलन हो पाएगा। दरअसल केरल के अलपुज़ा जिले के कायमकुल्लम प्राइमरी स्कूल में शनिवार को मिड डे मील खाने से 8 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चों ने बासी खाना खाने के चलते तबीयत खराब होने की शिकायत की थी। इलाज के दौरान 2 बच्चों में नोरो वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके बाद बच्चों के सैंपल जाँच के लिए सरकारी लैब में भेजे गए थे। बता दें कि नोरो वायरस से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारी जन्म लेती है। इससे पेट और आंतों में सूजन आ जाती है और मरीज को गंभीर रूप से उल्टी व दस्त आने लगती है। इससे बचाव के लिए पानी खूब पीना चाहिए ताकि संक्रमण को शरीर में फैलने से रोका जा सके। 6 जून का दिन सिखों को एक गहरा जख्म दे गया। इस दिन स्वर्ण मंदिर में सेना का ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर सोमवार को कई लोग अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के बाहर एकत्र हुए और खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की। तमाम पुलिस फोर्स की तैनाती के बावजूद सैकड़ों लोग स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार तक पहुंच गए। हाथों में तलवारें लहराते हुए खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान लोगों के हाथों में जनरल भिंडरावाले के पोस्टर, बैनर और तस्वीरें भी नजर आई। इस दौरान कुछ लोगों ने स्वर्ण मंदिर के अंदर घुसने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें गेट के पास ही रोक दिया गया। पुलिस ने एहतियातन कुछ लोगों को पकड़ा भी, लेकिन चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। आला अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बता दें कि सेना ने जून 1984 में स्वर्ण मंदिर परिसर में आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। अकाल तख्त हरमंदिर साहब की तरफ बढ़ती सेना का जनरल सिंह भिंडरावाले और खालिस्तान समर्थक चरमपंथियों ने जमकर विरोध किया और इस दौरान दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हुई। भारी खून खराबे के बीच अकाल तख्त को भारी नुकसान पहुंचा और कई सदियों में पहली बार ऐसा हुआ कि हरमंदिर साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ नहीं हो पाया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता पर अपनी ही पत्नी को गोली मारने का आरोप लगा है। आरोप है कि रविवार की रात 2:30 बजे ऋषभ भदौरिया ने अपनी पत्नी भावना भदौरिया को गोली मार दी। इस हत्या के बाद ऋषभ भदौरिया वहां से फरार हो गए। इस घटना के बाद उनके बच्चे दहशत में हैं। मामला ग्वालियर जिले का है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋषभ भदौरिया शहर के थाटीपुर स्थित दर्पण कॉलोनी में अपनी पत्नी भावना और अपने 2 बच्चों के साथ रहते थे। देर रात कांग्रेस नेता का अपनी पत्नी के साथ किसी बात पर विवाद हो गया। इसके बाद नाराज ऋषभ ने अपनी पत्नी को गोली मार दी। ऋषभ भदौरिया कांग्रेस के पूर्व जिला प्रवक्ता भी रहे। जिस वक्त उन्होंने अपनी पत्नी को गोली मारी उस वक्त उनके 2 बच्चे भी वहां सो रहे थे। गोली की आवाज सुनकर बच्चों की नींद खुल गई और वो सहम गए। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता के घर के पास ही उनके पिता और परिवार के कुछ अन्य सदस्य भी रहते हैं। ये लोग भी गोली चलने की आवाज सुनकर वहां पहुंचे थे। इन्हीं लोगों ने तत्काल पुलिस को इस घटना की सूचना दी थी। फिलहाल पुलिस अब इस मामले में आगे की कार्रवाई करने में जुटी हुई है। याद रहे ऋषभ भदौरिया के खिलाफ साल 2020 में जिला बदर की कार्रवाई का नोटिस भी जारी किया गया था। आरोपी पर लूट और 4 हत्याओं का पहले से ही केस भी दर्ज है। इस मामले में कारणों का पूरी तरह खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस प्रकरण की तह में जाने के लिए सबूतों को इकट्ठा कर रही है। पाकिस्तान में उथल पुथल तेज है। एक तरफ जहां राजनीतिक घमासान मचा हुआ है, वहीं अव्यवस्था के कारण लोग बुरी तरह परेशान हैं। अभी भारी बिजली संकट का दौर चल रहा है, जिसे लेकर सरकार के प्रति लोगों में भारी रोष है। तो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। SEFI उड़ रही है कि खान की हत्या की साजिश रची गई है। इसी बीच भाजपा की प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान को लेकर कतर ने भारतीय राजदूत को सीधे तलब किया है।
तो उधर एक चीनी लड़ाकू जेट के आक्रामक युद्धाभ्यास ने ऑस्ट्रेलियाई टोही विमान के चालक दल को खतरे में डाल दिया है। इसे लेकर ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने चीन को कड़ी फटकार लगाई है। इसके अलावा भारत के लिए खास खबर यह है कि तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब ने सैन्य प्रशिक्षण के लिए अफगान सेना के जवानों को भारत भेजने की इच्छा व्यक्त की है। दुनिया भर की इन पांच बड़ी और खास खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। पाकिस्तान में भारी बिजली संकट का दौर चल रहा है। लोग भीषण गर्मी में बिजली की लगातार कटौती से नाराज चल रहे हैं। काफी देर देर तक बिजली गुल रहती है। औद्योगिक इलाकों में बिजली कटौती से निर्माण कार्य में समस्या हो रही है और व्यापारियों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इससे आम लोग सहित पाकिस्तान के व्यापारियों में भी गहरी नाराजगी है। लोगों की इस बढ़ती नाराजगी के बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश में बिजली के लोड शेडिंग को कम करने के लिए एक आपातकालीन योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। मंत्री मरियम औरंगजेब ने बताया कि ऊर्जा, पेट्रोलियम और वित्त मंत्रियों की एक समिति को बिजली आपूर्ति को लेकर कार्य योजना प्रस्तुत करने को कहा गया है। लोड शेडिंग की समस्या पर युद्ध स्तर से काम हो रहा है। वहीं बिजली की बचत के लिए रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सुझाव दिया है कि दिन की धूप का लाभ उठाया जाए। हमारे यहाँ बाजार दोपहर 1 बजे खुलते हैं और रात 1 बजे बंद होते हैं। यह दुनिया में और कहीं नहीं होता है। अगर हम बाजार को बस धूप में खोलते हैं और अंधेरा होने पर बंद कर देते हैं तो इससे 3,500 मेगावाट बिजली बचाई जा सकती है। बिजली की किल्लत के चलते जिल्लत की जिंदगी जी रहे लोगों में उनके इस बयान को लेकर काफ़ी रोष है। लोगों का कहना है कि समस्या हल करने के बजाय मंत्री जी बेतुका बयान दे रहे हैं जो जले पर नमक छिड़कने जैसा है। इमरान खान समर्थकों ने इस परेशानी को हथियार बनाना शुरू कर दिया है। वे लोगों को यह कहकर उकसा रहे हैं कि मौजूदा सरकार के नुमाइंदों को आम लोगों की परेशानी से कोई वास्ता नहीं, वे अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ऐसी अफवाहें उड़ रही है कि खान की हत्या की साजिश रची गई है। खुद इमरान खान भी कई मौकों पर कह चुके हैं कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि इस्लामाबाद में धारा 144 पहले से लागू है और अब जमावड़े पर बैन लगा दिया गया है। इमरान खान की बानी गाला में संभावित वापसी को देखते हुए आवासीय परिसर के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हालांकि अब तक इस्लामाबाद पुलिस को इमरान खान की टीम की ओर से उनकी वापसी की कोई पुख्ता खबर नहीं मिली है। फिर भी एहतियातन बानी गाला में विशेष सुरक्षा तैनात कर दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार किसी भी तरह के जमावड़े की अनुमति नहीं है। इमरान खान के भतीजे हसन नियाजी ने कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की चीफ को कुछ हुआ तो इसे पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। इससे पहले फवाद चौधरी ने अप्रैल में दावा किया था कि इमरान खान की हत्या की साजिश रची गई है और उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। एक अन्य पीटीआई नेता फैसल वावदा ने कहा कि इमरान खान की हत्या की साजिश इसलिए रची गई है क्योंकि उन्होंने देश को बेचने से इनकार कर दिया है। इस बीच इमरान खान को अपनी रैलियों के दौरान बुलेटप्रूफ शीशे के भीतर रहने की सलाह दी गई तो हमेशा की तरह उन्होंने कहा कि मेरी मौत तब आएगी जब अल्लाह की मर्जी होगी, आप चिंता न करें। पिछले हफ्ते एक टीवी डिबेट के दौरान भाजपा की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने वाली टिप्पणी की थी, जिसके बाद देश ही नहीं विदेश में भी मुस्लिम समुदाय का भारी आक्रोश और विरोध शुरू हो गया। इसे लेकर कतर ने भारतीय राजदूत को सीधे तलब किया है। साथ ही कतर ने नुपुर शर्मा के खिलाफ हुई निलंबन की कार्रवाई का स्वागत किया है। इस संदर्भ में कतर के विदेश मंत्रालय की ओर से बाकायदा बयान जारी किया गया था। इसके जवाब में भारतीय दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि इस संबंध में हमारी बैठक हुई है। बैठक में इस तरह के बयानों पर चिंता जताई गई है। कतर द्वारा जारी बयान के संबंध में एक मीडिया प्रश्न के जवाब में भारतीय राजदूत ने कहा कि ट्वीट किसी भी तरह से भारत सरकार के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। भारत सरकार सभी धर्मों को सर्वोच्च सम्मान देता है। अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ पहले ही कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। पैगंबर मोहम्मद के कथित अपमान के बाद कई मुस्लिम देशों जैसे मिस्र, ओमान, कतर और सऊदी अरब आदि देशों में भारत की आलोचना की जाने लगी है। सोशल मीडिया पर भारत विरोधी बातें दिख रही है। पीएम मोदी के खिलाफ हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड कराए जा रहे हैं। इन हैशटैग को भारत और भारतीय उत्पादों के बहिष्कार की अपील के साथ व्यापक रूप से शेयर किया जा रहा है। गौरतलब है कि इन मुस्लिम देशों में से सभी के भारत के साथ बहुत करीबी संबंध है और ये लाखों भारतीय प्रवासियों के घर है। एक चीनी लड़ाकू जेट के आक्रामक युद्धाभ्यास ने ऑस्ट्रेलियाई टोही विमान के चालक दल को खतरे में डाल दिया। चीनी लड़ाकू विमान दक्षिण चीन सागर के आसपास के इलाके में गश्त कर रहा था। इसे लेकर ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने चीन को कड़ी फटकार लगाई है।
ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि जब टोही विमान दक्षिण चीन सागर में इंटरनेशनल एयर स्पेस की निगरानी उड़ान पर निकले तो चीनी लड़ाकू विमान ने उसके मार्ग को बाधित करने की कोशिश की। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्रालय ने अपने वेबसाइट पर जारी बयान में कहा है कि इंटरनेशनल एयर स्पेस में चीनी वायुसेना के विमान J-16 ने नियमित गश्त पर गए उसके समुद्री निगरानी विमान P-8A पोसाइडन को खतरनाक ढंग से बाधित किया। यही नहीं, चीनी ने J-16 विमान ने आग की लहर के साथ एल्यूमिनियम का तीक्ष्ण मलबा छोड़ा जो कि एक ऑस्ट्रेलियाई विमान में इंजन में प्रवेश कर गया। चीनी विमान की यह हरकत कहीं से सही नहीं है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हम चाहेंगे कि इस घटना की पुनरावृत्ति न हो। वही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि उनकी सरकार ने इस मुद्दे को बीजिंग सरकार के साथ उठाया है, यह कहीं से उचित नहीं था। हमारा विमान अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक नौवहन की स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग कर रहा था। बता दें कि सैन्य विमान उड़ान के साथ मलबा छोड़ते हैं, ये आमतौर पर एल्यूमिनियम या जस्ता के छोटे छोटे कण होते हैं। कभी कभी जानबूझकर विमानों को भ्रमित करने के लिए या जवाबी उपाय के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह एक जेट इंजन को नुकसान पहुंचा सकता है। जेट इंजन के ब्लेड छोटे छोटे धातु के टुकड़े से टूट सकते हैं और इससे इंजन में आग लग सकती है। तालिबान अपने सैनिकों को भारत में ट्रेनिंग देना चाहता है। तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे और अफगानिस्तान के सर्वशक्तिमान रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब ने सैन्य प्रशिक्षण के लिए अफगान सेना के जवानों को भारत भेजने की इच्छा व्यक्त की है। मुल्ला याकूब ने कहा कि तालिबान भारत के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहता है। याकूब से जब पूछा गया कि पिछली सरकार ने कई अफगान सैनिक जिन्हें भारत में ट्रेनिंग दी गई अभी भी भारत में है, अगर वे वापस लौटते हैं तो क्या आप उन्हें सेना में दोबारा शामिल करने के लिए तैयार है, इस पर याकूब ने कहा कि तालिबान सरकार ने इस पर कुछ काम किए हैं और विदेशों में मौजूद सभी अफगानों से लौटने का अनुरोध किया है। उनमें से कई लौट चुके हैं और अपना दायित्व निभा रहे हैं। ऐसे जवान जो भारत में रह गए हैं हमें इसकी जानकारी है और हम उनसे लौटने का आह्वान करते हैं। किसी को न छोड़ना ही अफगान परंपरा है और हम इसके प्रति वचनबद्ध है। मुल्ला याकूब ने कहा कि हम भारत की ओर से भेजी गई मदद की सराहना करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भारत अफगानिस्तान के लोगों को अपनी सहायता जारी रखेगा। पाकिस्तान के साथ मौजूदा रक्षा संबंधों के सवाल पर याकूब ने कहा कि वे भारत सहित सभी पड़ोसी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध चाहते हैं। हम पाकिस्तान को भारत के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल हरगिज नहीं करने देंगे और न ही हिंदुस्तान को अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ करने देंगे। हम एक स्वतंत्र देश है और हमारी विदेश नीति हमारे राष्ट्रीय हितों से निर्देशित होती है। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज़। नमस्कार।